नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एंड वर्ल्ड न्यूज चैनल में। तो धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर्स की आवाज़ उतनी ही आनी चाहिए जिससे किसी को असुविधा ना हो, यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के लिए जारी करने के साथ बतौर गोरक्ष पीठाधीश्वर पीठ और उससे जुड़े मंदिरों में लागू कर दिया है। आपको बता दें कि अब धार्मिक स्थलों पर भजन सुबह शाम बजने लगे हैं। दरअसल गोरक्ष नाथ मंदिर समेत उससे जुड़े सभी मंदिरों में लाउड स्पीकर्स की आवाज़ें कम कर दी गई हैं। वहीं मंदिरों में अब भजन की गूंज परिसर से बाहर नहीं जा रही है और तो और उससे होने वाले ध्वनि प्रदूषण के मानक स्तर से कम कर दिया गया है। वहीं मंदिर प्रबंधन के मुताबिक भजन बजाने वालों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वह मानक के आधार पर ही लाउड स्पीकर्स की आवाज़ को रखें। साथ ही इस पर सांसद रवि किशन ने बिना अनुमति जुलूस ना निकालने और धर्मस्थलों पर लाउड स्पीकर्स की आवाज़ धीमी करने को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल की सराहना की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर और नाथ पीठ से जुड़े अन्य मंदिरों में लाउड स्पीकर की आवाज़ कम करवा समूचे प्रदेश के लिए एक बेहद ही अच्छी मिसाल पेश की है। मुख्यमंत्री का यह निर्णय वर्तमान स्थिति को देखते हुए अति आवश्यक था। उन्होंने लोगों से आगे भी कहा और अपील भी की कि वह इस निर्णय को धर्म के चश्मे से ना देखें, वह लोगों की सुविधा के नज़रिए से इसे देखें। जानकारी के लिए आपको बता दें और याद भी दिला दें कि इसके पहले लाउड स्पीकर्स के प्रदूषण को लेकर सोनू निगम और उसके बाद अनुराधा पौडवाल जी ने भी आपत्ति जताई थी। नमस्कार। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनों के बीच शेयर जरूर करें। धन्यवाद।